नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो इन ये दोनों संबंधित हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसके बाद आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, इसका सही आंसर है। और 1886 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण, और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। इसके बाद आती है मुस्लिम लीग, जिसके संस्थापक थे आगा खां। 1906 में यह स्थापना इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। ये भी इम्पोर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन भी इम्पोर्टेंट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, यह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरिदयाल जी ने 1913 ईस्वी में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने 1919 में किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी थी उसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, और आज़ाद हिंद फौज के जो सबसे पहले संस्थापक थे वो थे रास बिहारी बोस, और रास बिहारी बोस जी जो कि एक महान क्रांतिकारी थे, सबसे पहले जापान गए थे, और इसके बाद इन्होंने अपनी फौज का जो कमांड है वो सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ में दे दिया था। तो यह सभी संस्थाएँ याद करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं, एक ही जगह पर एक ही साथ आप सभी को ये सारे संस्थापक और संस्थाएं मिल गए हैं। आई होप कि आपको सब कुछ याद आ गया होगा। तो आपके जो 5 मिनट हैं कितने ज़्यादा यूज़ हुए हैं ये आप समझोगे जब आपको इनमें से एक प्रश्न 6 तारीख को एग्ज़ाम में मिलेगा, फिर आपको लगेगा हाँ उस वीडियो को देखने का आज फ़ायदा हो गया है, क्योंकि इन संस्थाओं में से एक संस्था हर एग्ज़ाम में आनी है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वीडीए हो, रेलवे हो, जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, उन एग्ज़ाम में एक संस्था जरूर आती है। और इस एग्ज़ाम में भी जो कि 6 जनवरी को होने वाला है, एक संस्था दोबारा आएगी। 2 बार इस वीडियो को देख लोगे आपको सभी याद हो जाएगा, ज़्यादा है तो नोट कर सकते हो ताकि लास्ट टाइम में इसको रिवाइज कर पाओ, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं अब आपको हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और आप उन्हीं टॉपिक को अच्छे से लर्न करके भी जाओगे तब भी आप इजीली 100+ क्रॉस कर पाओगे। और साथ ही एक वीडियो वो भी बनेगी जो कि आपको मेथड बताएगी लास्ट के 10 दिन में कैसे पढ़कर आप 100+ नंबर ला सकते हो दोस्तों। और कट ऑफ की टेंशन मत करो, कट ऑफ लगनी श्योर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।